पत्रकार के खिलाफ फर्जी मुकदमे की निष्पक्ष जांच के संबंध में पत्रकार सुरक्षा महासमिति के मंडल अध्यक्ष रईस खान के नेतृत्व में जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन देकर बहेड़ी पुलिस द्वारा महिला पत्रकार के खिलाफ लिखे गए फर्जी मुकदमे की निष्पक्ष जांच कराए जाने एवं पीड़ित पत्रकार द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र पर मुकदमा दर्ज किए जाने की मांग की गई। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष रईस खान, वरिष्ठ पत्रकार मुस्तकीन मंसूरी, नीरज सक्सेना, नाजीश अली और कई लोग उस दौरान मौजूद रहे। बरेली में मंडल अध्यक्ष हूँ। हमारे बहेड़ी की बेताब समाचार पत्र की पत्रकार अनीता हैं। एक पीड़ित उनके पास शिकायत करने आई थी कि एक हमारा मुकदमा चल रहा है जिसको सीओ बहेड़ी के द्वारा दबा लिया गया है और उसको कोर्ट नहीं भेजा जा रहा। उसके बाद उस वहाँ पर बातचीत करना चाहें सीओ साहब से, सीओ साहब ने वहाँ पर उस महिला पत्रकार से अभद्र भाषा का प्रयोग किए और एक झूठे मुकदमे में फंसाने के, जो कि महिला पत्रकार ने एक सच्चाई की बात रखी थी वो बात उजागर करने के लिए। अगर इस तरह किसी भी पत्रकार पर आरोप लगाया जा रहा है किसी उच्च अधिकारी के द्वारा तो हर गलत है। और मैं पत्रकार सुरक्षा महासमिति के द्वारा आज जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया गया और उसमें बताया गया कि एक उच्च अधिकारी के द्वारा इसका निष्पक्ष जांच कराया जाए। पत्रकार को अगर इस तरह का मुकदमा कायम हो रहा है तो पत्रकारिता कहीं ना कहीं दबाया जा रहा है और उसको हनन किया जा रहा है एक निष्पक्ष पत्रकार करने वाले को। तो मैं आशा करता हूँ जिलाधिकारी महोदय से इसका उच्च अधिकारी से निष्पक्ष जांच कराएंगे और हमारा पत्रकार सुरक्षा महासमिति लखनऊ में कुछ वरिष्ठ पत्रकारों को द्वारा और बरेली पत्रकारों को द्वारा वहाँ एक मुलाकात करेंगे और ये अवगत कराएंगे कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह पत्रकारों पर आरोप प्रत्यारोप लग रहा है तो कहीं ना कहीं ये उसका हनन किया जा रहा है। जिसको अगर पत्रकार पर कोई मुकदमा, कोई अधिकारी अगर पुलिस थाना लिखता है तो इस उच्च अधिकारी को संज्ञान में देकर लिखा जाए इस पर।